हम गृह पाठ करते हैं। गोविंद, तुम लोगों को खेलने कूदने को टाइम मिलता भी है या नहीं? बिल्कुल चाचा जी, धूप कम होते ही हमारा खेल कूद का समय शुरू हो जाता है। हम वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो जैसे विभिन्न खेलों का भी आनंद लेते हैं। इसमें हम हार जीत की बजाय खिलाड़ी वृत्ति का प्राधान्य रखते हैं। कभी कभी बच्चों में प्रश्नोत्तरी की कॉम्पिटिशन लग जाती है, जैसा कि एक बार हुआ। अरे क्या कर रहे थे तुम लोग, आज खेलने नहीं आए? अरे वो शंकराचार्य जी का किताब नहीं है, मणि रत्न माला, वो पढ़ रहे थे। चलो इसी किताब पर तुम्हारे से सवाल पूछते, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा चलो, मैं अब आपसे पहला प्रश्न पूछता हूँ। को वा गुरु रियो? गुरु कौन है? हितोपदेष्टा, जो हित का उपदेश करने वाला है वही गुरु है। चलो अब दूसरा प्रश्न, शिष्यस्तु कोयो? शिष्य कौन है? गुरु भक्त एव, जो गुरु का भक्त है वही सच्चा शिष्य है। चलो अब तीसरा प्रश्न, को दीर्घ रोगो? बड़ा भारी रोग क्या है? भव एव साधो, हे साधो बार बार जन्म लेना ही सबसे बड़ा भव रोग है। किम औषधम, उसकी दवा क्या है? तस्य विचार एव, परमात्मा के स्वरूप का मनन ही भव रोग की दवा है। सारे जवाब मिल गए, अब आपकी बारी, हम सवाल पूछेंगे और आपको अच्छा? जवाब देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब आप हमसे प्रश्न पूछना, हम उसके उत्तर देंगे। अब हम आपको सवाल पूछते हैं, किम भूषणात् भूषणम् अस्ति? भूषणों में उत्तम भूषण क्या है? शीलम, सबसे उत्तम भूषण, शील अर्थात उत्तम चरित्र है। अब दूसरा सवाल, तीर्थम परम किम? सबसे उत्तम तीर्थ क्या है? स्वमनो विशुद्धम, सबसे उत्तम तीर्थ अपना विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ मन। किमत्र हेयम, इस संसार में त्यागने योग्य क्या है? कनकम च कांता, त्यागने योग्य इस संसार में तो दो ही है, कांचन और कामिनी। अब तीसरा सवाल, श्राव्यम सदा किम? सदा सुनने योग्य क्या है? गुरु वेद वाक्यम, सदा सुनने योग्य तो वेद और गुरुदेव का वचन ही है। को वा गुरु रियो हितो पदेष्टा, शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एव, को दीर्घ रोगो भव एव साधो, किमोषधं तस्य विचार एव, किं भूषणात् भूषणमस्ति शीलम्, तीर्थं परं किं स्वमनो विशुद्धम्, किमाद्रहेयं कनकं च कांता, श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यम्। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर शाम की संध्या करते हैं। इसमें प्रातः संध्या की तरह जब ध्यान प्राणायाम के साथ साथ सत्संग श्रवण एवं शास्त्र अध्ययन भी करते हैं। उसके बाद पौष्टिक लेकिन सुपाच्य भोजन करते हैं। शाम के भोजन में हमें गाय का दूध, घी आदि भी दिया जाता है। तत्पश्चात हमारा अभ्यास का समय शुरू हो जाता है। उसके बाद दिन भर में हमने जो जो सीखा है उसका मनन चिंतन करते हैं। दिन भर के कार्य में जो अच्छे काम हमारे द्वारा हुए हों उनके लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं, तथा जो गलतियां हुई हो उनके लिए भगवान से क्षमा याचना करते हैं। और चाचा जी, नींद को भी भक्ति बनाने के लिए हमारी युक्ति तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। रात्रि शयन के समय हम भगवान नाम युक्त मंत्रों का उच्चारण करते हैं और फिर जप के साथ श्वासोश्वास की गिनती करते हुए प्रभु की गोद में विश्राम पाते हैं। इससे हमारी नींद भी योग निद्रा हो जाती है। इसके अलावा मातृपितृ पूजन दिवस जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, ज्ञान प्रतियोगिताएं, पर्वों एवं शुभ योगों का विधिवत लाभ लेना, शास्त्रार्थ करना, स्मृति शक्ति वर्धक हवन करना हमारी दिनचर्या में निमितानुसार आने वाला अंग है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह बच्चों, वाह। धन्य आप ऐसे गुरुकुल में पढ़ते हैं और धन्य आपके माता पिता की सोच को,
जिन्होंने अपने बेटों को ऐसे गुरुकुल में पढ़ने के लिए रखा है। वाह, मैं भी अपने बच्चों को गुरुकुल में डालने की तैयारी शुरू कर देता हूँ। छोटे लाल जी, सद्गुण और सदाचार ही जीवन का सिंगार है। बिल्कुल सही बात कही आपने, मैं समझ गया। बाल्यकाल के उत्तम संस्कार ही उज्ज्वल भविष्य का आधार होते हैं। ऐसे लाखों करोड़ों की संख्या में पूज्य श्री का विशाल शिष्य समुदाय है, जो आज न सिर्फ देश भर में बल्कि विश्व के मानचित्र पर बुलंदियों के झंडे गाड़ रहे हैं और पूज्य श्री की तरह भारतीय संस्कृति एवं देश की एकता
अखंडता व शांति का समर्थक होकर पूर्ण रूपेण राष्ट्र को समर्पित है। हरिओम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।